प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से पश्चिम बंगाल का दो दिवसीय दौरा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरा होने के मौके पर आयोजित समारोह में लेंगे हिस्सा। कोलकाता में चार प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। देश भर में 10 जनवरी से लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। $5 खरब की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में युवाओं की प्रमुख भूमिका। तिरुचिरापल्ली में एक दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। जल संकट की समस्या से निपटने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करने में और आपस में जोड़ने पर दिया जोर। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भविष्य में नेटवर्क आधारित होंगे युद्ध। सीमा पर उभरी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार सेना। सेनाओं में तालमेल पर खासा जोर। यूक्रेन विमान हादसा में ईरान का कबूलनामा। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने विमान हादसे को बताया बड़ी गलती। विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने मांगी माफी। कहा, मानवीय चूक से हुआ हादसा। हादसे में 176 लोगों की गई थी जान।